हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज आप लोग जान ही गए होंगे कि आज आपकी डिमांड पूरी हो गई। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 में मेडिकल के बारे में बताएंगे। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, मेडिकल से संबंधित सारी पॉइंट्स को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आप खुद कहेंगे कि हम इस वीडियो से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए एक एक पॉइंट्स को आपको हर एक बारीकी को समझाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यूपी पुलिस में होता क्या क्या चेक है, ठीक है। नंबर एक, आप देखिए, आंखों की टेस्टिंग होती है, दांत के टेस्ट होते हैं, कान के भी, हाथ के, पैर के, त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम भी होती है। इतनी चीज़ें मुख्य रूप से आपकी चेक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो चीज़ें चेक होती हैं, इसी वीडियो में बताए हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो, आपने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले समय में जो है आपका मेडिकल होने वाला है, और आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी आपके पास टाइम है, इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आँख की, ठीक है। एक नंबर पर आँख है तो आँख की बात करते हैं। आँख में मुख्य रूप से फ्रेंड्स तीन प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एक कलर विजन, एक डिस्टेंस विजन और एनी अदर प्रॉब्लम। कुछ अन्य प्रॉब्लम भी होती हैं। क्या क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कलर विजन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर विजन की। देखिए कलर विजन में क्या है फ्रेंड्स, कि सिंपल सा आपको यही ग्राफ मिलेगा इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको ग्राफ मिलेगा और इसमें आपको बताना रहेगा कि बीच के अक्षर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ शब्दों में। और दूसरी बात, अगर आप ऐनक यानी चश्मा पहनते हैं तो पहन के मत जाइएगा, ठीक। और कलर विजन में आपको इसी तरह से एक ढेर सारे उसमें कलर्स रहेंगे, उसमें कोई डिजिट लिखा रहेगा, जरूरी नहीं है गिनती ही लिखा रहे, हो सकता है सिंबल भी लिखा रहे, अल्फा बीटा गामा, हो सकता है हिंदी में लिखा रहे, हो सकता है ABCD के वर्ड लिखे रहे, ठीक है। कुछ भी लिखा रह सकता है, बस आपको वही चीज़ बताना होता है। अगर आप बता ले जाएंगे तो आपको कलर विजन नहीं है, ठीक है। जिसको होता है वो डिफाइन नहीं कर पाता कि इन कलर के बीच में क्या चीज़ लिखा है। ये बात समझ में आई आपको, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स को लेते हैं। अगला पॉइंट्स जो होता है वो होता है डिस्टेंस विजन, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्टेंस विजन में क्या होता है मैं आपको डिस्टेंस विजन सिखाता हूँ। देखिए सिंपल सा आपको ऐसे चार्ट बना रहता है, आपको चार्ट में बताना ये रहता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ तक आप देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। वही चीज़ डॉक्टर आपसे पूछता है कि स्पष्ट रूप से आप कहाँ तक देख पा रहे हैं, या फिर पेन रखता है या फिर उंगली रखता है, बताइए आप ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। आपको अगर पता रहेगा, दिख रहा होगा तो आप बता देंगे, ठीक है। दोनों आंखों से कभी एक आंख बंद करा के देखते हैं, कभी दूसरी आंख बंद करा के देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गई, इसी के बोलते हैं डिस्टेंस विजन। और जिसको डिस्टेंस विजन होता है वो इस चीज़ की पहचान नहीं कर पाता। आई बात समझ में? वीडियो पसंद आ रही हो तो इसी वक्त लाइक करिए, लाइक से बटन दबाना है, इसे क्लिक करना है, कर दीजिए, ठीक है। चलिए डिस्टेंस वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो हमने बता दिया, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, ठीक है, आँखों की जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, आप लोग देखे होंगे कि उनकी जो आँखें होती हैं, आँखों के बीच में जो होता है काला वाला, उसके साइड साइड में जो व्हाइट कलर का होता है ना, उसमें कभी कभी लाल कलर की ऐसे रेखाएँ बन जाती हैं, या फिर चोट लग जाता है तो वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ है तो दिक्कत तो खास नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर के मूड की बात है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से आप उसको सही करवा लीजिएगा, ठीक है, इलाज उसका करवा लीजिएगा। व्हाइट वाले में आँख लाल नहीं होनी चाहिए, ये बात आपके समझ में आई, पहली बात। दूसरी बात आप ये समझिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ जैसे प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, ये दोनों आँखें हैं, ठीक है, जब वो देखते हैं तो एकदम सीधा जाना चाहिए, ठीक, ऐसे तो फोकस होता है, ऐसे होना चाहिए आंखों का फोकस। कुछ लोगों में क्या होता है कि आंखें एक इस तरफ जाती हैं तो दूसरी इस तरफ जाती हैं, मतलब आंखों की जो पुतली होती है काली वाली, उसको देखने से बाहर से पता चलता है कि एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है तो प्रॉब्लम होगी, ये बात समझ में आई, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो सब्सक्राइबर का पॉइंट्स है। फ्रेंड्स बड़ी मेहनत किया हूँ आप सब लोगों के लिए,
जो नए हैं बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, ये आपको पता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्र के पास जो भी सिलेक्ट हुए हों, ठीक है, उनके पास भेज दीजिए, क्योंकि अगर उनको यह वीडियो देख के थोड़ा नॉलेज हो जाता है और कोई प्रॉब्लम है वो इलाज करवा लेते हैं, तो इसमें आपका भी भला होगा, हमारा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट्स लेते हैं। अगला पॉइंट्स जो हम लिए हैं फ्रेंड्स वो है दांत और नाक की, ठीक है। दांत में क्या प्रॉब्लम होती है देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल आपके जबड़े में कुल मिला जुला के 28 दांत होने चाहिए, 32 होते हैं, ठीक है, ये सब आपको मालूम है, 28 दांत होने चाहिए, ठीक है। बीच में एक दो दांत टूटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर उसमें दांतों में गंदगी ढेर सारी है, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप साफ करवा के जाइएगा, ठीक, आई बात समझ में, अच्छे से इलाज करवा लीजिएगा। 28 दांतें होने चाहिए, दांत अगर टूटा है नो प्रॉब्लम, ये बात आपकी दांत की हो गई, ठीक। अब चलिए बताते हैं नाक की। नाक में ये देखा जाता है फ्रेंड्स साफ साफ कि आपकी जो नाक है वो सिंपल एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे होना चाहिए क्वालिफाई। अगर नाक ऐसे बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, ठीक है, इस टाइप से बना रही है, या फिर नाक के बीच की जो हड्डी होती है वो बड़ी हो गई है, नाक की एलर्जी हो गई है, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट्स लिए हैं वो है कान। कान में फ्रेंड्स मुख्य रूप से दो बातें होती हैं, एक पर्दे और सफाई। कान में आपके मशीन द्वारा चेक किया जाता है, एक मशीन होती है, उसी को अंदर डालते हैं और देखते हैं पर्दे कैसे हैं। अगर आपके पर्दे सही हैं बिल्कुल नो प्रॉब्लम, क्वालिफाई। और कानों की सफाई बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये बात, कि कानों की सफाई आप करवा के जाइएगा, ठीक है, दूसरे से करवाइएगा, खुद मत करिएगा, खुद कहाँ देख पाओगे कहाँ कहाँ चीज़ है, ठीक है, दूसरे साफ करवा के जाइएगा कान की सफाई। और इसमें कोई पॉइंट्स है, हाँ, वॉइस टेस्टिंग, ठीक है, जैसे आपके दोनों कान, एक कान ये है एक कान ये है, ये आपका मस्तक है, ठीक है, आपके मस्तक पे एक मशीन रखते हैं, आपसे बोलते हैं, ठीक है, पूछते हैं कि क्या मशीन आवाज़ कर रही है, अगर आप बोलेंगे हाँ, और मशीन बंद कर कभी कभी मशीन बंद करके चेक करते हैं, कभी कभी मशीन चालू करके देखते हैं, कभी कभी ये कान के इस कान पे रखते हैं और पूछते हैं आवाज़ आ रही है, कभी इस कान पे रखते हैं आवाज़ आ रही है, बंद करके पूछेंगे आवाज़ आ रही है, या फिर चालू करके पूछेंगे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक, उसका वैल्यूम होता है 0.123, वैल्यूम कम ज़्यादा करके पूछते हैं कि मिनिमम कितने तक ये स्टूडेंट सुन पा रहा है, ठीक है। डॉक्टर आपके दुश्मन नहीं, डॉक्टर आपके दोस्त ही होते हैं, वो आपको पास करने की पूरी कोशिश करते हैं, बस खाली बड़ा प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स हाथ। हाथों में फ्रेंड्स देखिए आपके ये हाथ है, ठीक है, हाथों में ये आपके हाथ हो गए, ठीक है, इसमें पांच हो गए, ठीक है। हाथ में आप देखते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग क्या होते हैं कि हाथ टूट जाता है तो हड्डी वड्डी डैमेज हो जाती है, अगर उसका आपने प्लास्टर बंधवाया था और हड्डी प्रॉपरली जुड़ गई है, एकदम सीधी है, देखने से पता नहीं चल रहा कि टूटी है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप पास हैं, ठीक है। अगर वो बाहर निकली हुई दिखाई पड़ रही तो आपके लिए डैमेज है, दिक्कत हो सकती है। और ये हड्डियाँ ऐसे करने पे दोनों की घुटने की हड्डियाँ जो है हाथ की जो होता है ना कोहनी, उसकी हड्डियाँ एक दूसरे टच नहीं होनी चाहिए, ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स जो है वो पैर। पैर में मुख्य रूप से फ्रेंड्स तीन बातें होती हैं, फ्लैट फुट, नोकनी, अदर प्रॉब्लम। बिल्कुल फ्रेंड्स जो लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए, बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, फ्लैट फुट सबसे पहले देखते हैं। फ्लैट फुट में फ्रेंड्स आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, इससे फ्लैट फुट होता है। अगर इस तरह से पैर है तो फ्लैट फुट है, इस तरह से है तब भी फ्लैट फुट है, मतलब कि आप नीचे देखिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, कोई जगह खाली नहीं है, यहाँ पर भी नहीं खाली, यहीं पर नहीं, ये दोनों में फ्लैट फुट है। अगर इस तरह से है, आपके बीच में जगह बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको फ्लैट फुट नहीं है, आप क्वालिफाई हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट्स है वो है नोकनी। नोकनी में फ्रेंड्स सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे विरामावस्था में इसे खड़ा करवा देते हैं और ऊपर जो हड्डी होती है उसी को देख बाहर से ही देख लेते हैं, अगर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जगह है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको पास कर देते हैं। अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो एक पटरी जो स्केल होती है आपकी उसी को उसी से गुजारते हैं, अगर पास हो गई पार हो गई तो आप पास हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हड्डियां आपस में टकराएंगी तो दौड़ने में आप दौड़ नहीं पाएंगे और टकराव उसमें होता रहेगा, ठीक है,
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नौकरी आपकी बात समझ में आ गई। अब चलिए अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं फ्रेंड्स। जो अगला पॉइंट्स है आपका कि अदर प्रॉब्लम, पैरों में क्या होता है, जो हमने हाथों में बताया ठीक वैसे होना चाहिए, ठीक है। पैरों में भी दोनों में पाँच पाँच उंगलियाँ होनी चाहिए, उंगली कटी नहीं होनी चाहिए, पैर की हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए, यही इतना मुख्य रूप से है, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो स्किन प्रॉब्लम यानी त्वचा संबंधी रोग, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस पे। त्वचा संबंधी रोग में सबसे पहले आप जानिए ऑपरेशन, अगर आप ऑपरेशन करवाए हैं, ठीक है, अगर आप ऑपरेशन करवाए हैं और उसमें बहुत बड़ा मार्क्स है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। टाके का मार्क्स इतना लंबा है तो प्रॉब्लम होगा, अगर बहुत छोटा सा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर बड़ा है तो प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे हम बताते हैं सफ़ेद दाग। बहुत लोग पूछते हैं सर जो है इसके विषय में आता है, बहुत ज़्यादा कॉल आती है कि ये चीज़ है क्या, इसमें क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर पॉइंट में ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा है, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एलर्जी, बहुत लोगों क्या होता है ना कि हाथों पे एक कुछ प्रकार के दाने पड़ जाते हैं, चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, पैर में दाने पड़ जाते हैं, पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं, तो ये एलर्जी होता है, इससे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एलर्जी है, ये भी मेडिकली अनफिट में आता है, ठीक है, ये भी दिक्कत करेगा। और एक बात, सबसे बड़ी बात जो है, कुछ लोग हाथों पे टैटू बनवा लेते हैं, टैटू की बात आती है, ठीक है। टैटू शायद मैं आगे लिखे हूँ, अभी इसमें नहीं लिखा हूँ, कोई बात नहीं, याद आ गया, मैं बता दे रहा हूँ। टैटू, कुछ लोग बड़ा बड़ा एकदम खूब बड़ा बड़ा एकदम टाइगर का फोटो बनवा लेते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। कुछ लोग ओम बनवा लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं करवानी चाहिए, अगर करवा लिए हैं तो भाई देखिए, शो में सीधी बात, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मिल के जाइएगा, समझ के जाइएगा, ठीक है। हाँ, अगर छोटा मोटा है, बहुत छोटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप कमेंट्स करिए, आपके सवालों का जवाब हम देंगे, दूसरे वीडियो के माध्यम से देंगे, इसका पार्ट टू आएगा मेडिकल का, अगर कुछ भी कमेंट्स आता है कि प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, इतनी सी जानकारी देनी थी, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।